अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल फ्रॉम बीएससीसी सर्विसेज। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आप लोग अपने कंप्यूटर को ट्रेन करवाना चाहते हैं कि वो आपके डिफरेंट इमेजेस को रिकॉग्नाइज कर सके, साउंड्स को रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है, डिफरेंट पोजेस को रिकॉग्नाइज कर सके, तो उसको हम लोग टीचेबल मशीन को यूज करके किस तरह से ये वाले टास्क जो हैं, जो एआई बेस्ड टास्क है, मशीन लर्निंग बेस्ड टास्क हैं, हम लोग ये टीचेबल मशीन को यूज करके किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए लाजमी नहीं है आप लोगों को कोडिंग की एक्सपर्टीज हो, ठीक है। इसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कुछ प्री ट्रेन मॉडल जो हैं वो ट्रेन होकर यहाँ पे इन्होंने रख दिए हैं। आप लोग जस्ट अपने इमेजेस देते हैं इसे, वो उसके ऊपर अपनी ट्रेनिंग करता है, और ट्रेनिंग के बाद आप लोग अगर प्रेडिक्शन चेक करना चाहें कितने एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर रहा है, तो आप लोग उसे एवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ये राइट साइड पर ये शो हो रहा है कि इमेजेस के दरमियान वो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कौन से वाला जो है, जैसे मी प्लस डॉग को वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि जस्ट मी है तो वो जस्ट उसको देख रहा है, अगर डॉग भी साथ आ रहा है तो उसे भी क्लासिफाई कर, जैसे ट्री एंड विंग्स को देख रहा है, ठीक है, कि कौन से वाला पोज है, नॉइज को चेक कर रहा है कि स्नैप एंड क्लैप जो हमारे वॉइस की रिकॉग्नाइज कर रहा है उसे, ठीक है। इस तरह के ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, जिन्हें आप लोग अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग फ्री लांसिंग करते हैं और अगर आपके क्लाइंट ने कोई भी पोज को आइडेंटिफाई करना चाहता है, तो उसके लिए आप लोग टीचेबल मशीन के थ्रू ये पूरे का पूरा कोड जो है इजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने टीचेबल मशीन डॉट विद गूगल डॉट कॉम पर चले जाना है, ठीक है। उसमें अगर आप लोग गेट स्टार्टेड में चाहेंगे तो हमारे पास ये थ्री जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ अदर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी गूगल काम कर रहा है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास ये तीन प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं कि अगर आप लोग इमेज को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, ऑडियो को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, या पोज को, डिफरेंट जो पोजेज हैं आप उसे रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, लेट अस्यूम फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इमेज प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखेंगे जैसे ही हम लोग इमेज प्रोजेक्ट में आते हैं, यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि आप जो आपके पास क्लासेस हैं, जितने डिफरेंट टाइप के आपके पास इमेजेस हैं जिन्हें आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, आप वो वाले सैंपल जो है यहाँ पर दे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पर अगर हम लोग क्लास वन कह देते हैं ह्यूमन की है, ठीक है, यहाँ पर अगर तो आपके पास कोई डाटा सैंपल आपके क्लाइंट ने या आपके पास डाटा सेट कोई भी एग्जिस्ट कर रहा है जिसके ऊपर आप ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, आप वो अपलोड करते हैं। या अगर आप लोग वेबकैम के थ्रू भी लेना चाहें तो आप लोग जस्ट वेबकैम को ओपन करें, ठीक है, और इस तरह से आप लोग डिफरेंट इमेजेस जो हैं होल्ड टू रिकॉर्ड पर क्लिक करके डिफरेंट इमेजेस आप यहां से कैप्चर कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 37 इमेजेस का सैंपल जो है वो ह्यूमन क्लास का यहाँ पर ले लिया। इसी तरह से हमारे पास क्लास टू है, क्लास टू आप जैसा क्लास असाइन करना चाहें, लेट अस यूम हम लोग यहाँ पर मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड जो आइटम्स हैं हम लोग वो असाइन कर देते हैं। यहाँ से अगेन आप लोग वेब कैम के ऊपर क्लिक करेंगे, और वेब कैम के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे सामने, मैं मोबाइल ओपन करके इसे होल्ड और रिकॉर्ड करता हूँ, और वो सारे के सारे सैंपल जो हैं हमारे मोबाइल के, वो हम लोगों ने यहाँ पर उसे असाइन कर दिए। अगर आपके पास कोई और मल्टीपल क्लासेस हैं, आप लोग यहाँ से ऐड क्लास करके अदर क्लासेस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोगों ने ये काम कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने जस्ट ट्रेन मॉडल पे क्लिक करना है। जैसे ही हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि हम लोग प्रेडिक्शन करवा सकते हैं जो डिफरेंट इमेजेस वगैरह हम लोगों ने पास कर रहे होंगे। ये हमारी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, जिसके लिए हम लोगों ने कोई भी कोड नहीं लिखा। ऑलरेडी गूगल की ये जो प्रोडक्ट है टीचेबल मशीन, इसमें ऑलरेडी उन्होंने कोड जो है वो करके रखा हुआ है। आप लोगों ने जस्ट अपने सैंपल देने और उसके ऊपर ये ऑटोमेटिकली मॉडल जो है वो ट्रेन करवा देगा। अब ये देखें, जैसे ही ह्यूमन उसके सामने आ रहा है तो ये देखें ह्यूमन को वो 100% दे रहा है कि ये 100% जो है वो मैच कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं ह्यूमन के साथ अगर मोबाइल को लेकर आता हूँ तो वो चेक करें कि जितने परसेंट मोबाइल की एक्सेस है और जितने परसेंट ह्यूमन की एक्सेस है, उन दोनों को आइडेंटिफाई करके बता रहा है कि इतने इतने परसेंट जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं सिर्फ मोबाइल ही उसके सामने करता हूँ तो चेक करें वो हमें 100% यहाँ पर शो करवा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग अगर डिफरेंट इमेजेस के दरमियान में किसी भी किस्म का कोई क्लासिफिकेशन का टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो टीचेबल मशीन को यूज करके इजीली आप ये काम कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग इसका कोड डाउनलोड करना चाहते हैं, जस्ट आप एक्सपोर्ट मॉडल में चले जाएं, ठीक है, और यहां से जाकर आप लोग जो है अपना जो कोड है इसका, ये सारे का सारा जो आपको यहां पर शो हो रहा है, ठीक है, आप लोग यहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरे का पूरा जो इसके लिए हमारे इस टीचेबल मशीन ने कोड डिफाइन किया है इन इमेजेस को क्लासीफाई करने के लिए, आप लोग यहाँ से इजिली डाउनलोड पर क्लिक करें, डाउनलोड माई मॉडल पर क्लिक करें और आप ये कोड जो है इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो अदर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इसकी, जिसमें हमारे पास ऑडियो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं या पोज प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, आप लोग लेट अस्यूम फॉर द टाइम बीइंग हम लोग ऑडियो प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। ऑडियो प्रोजेक्ट्स में क्या करते हैं, आप लोग अपनी डिफरेंट नॉइज आप लोग इसे पास कर देते हैं कि अगर डिफरेंट नॉइज आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, लाइक अगर मैं यहाँ पर माइक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं और डिफरेंट नॉइज यहाँ पर हम लोग इसे पास कर देते हैं, इस तरह से हम लोगों ने ये डिफरेंट नॉइज यहाँ पर पास की और यहां से आप लोग एक्सट्रैक्ट सैंपल कर लेंगे, ठीक है। 16 सैंपल उसके पास आ गए, उसे 20 सैंपल चाहिए नॉइज के, आप लोग मिनिमम 20 सैंपल चाहिए होते हैं, तो आप लोग अगेन कोई और भी सैंपल यहां से रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अब जैसे यहां पर हम लोग किसी अगेन एक्सट्रैक्ट सैंपल करेंगे तो ये 27 ऑडियो सैंपल्स हो गए, उसे मिनिमम 20 रिक्वायर्ड थे नॉइस के, ठीक है। इसी तरह से जो क्लास 2 है, जिसमें अगर आप लोग कोई ह्यूमन वॉइस वगैरह कुछ भी पास करना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, अपलोड भी करना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पर रिकॉर्ड सेकंड पे क्लिक करता हूँ, हेलो हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3, यहाँ से एक्सट्रैक्ट सैंपल कर देंगे हम लोग, 2 ऑडियो सैंपल आए हैं, हेलो हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये हमारे पास 8 सैंपल जो हैं उसने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिए। जब आपके पास मैंने एक अपनी वॉइस दी है, एक मैंने नॉइज दी है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल की वॉइस जो हमारे पास ऑडियो वॉइस है आप लोग उसमें डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग जो है एड अ क्लास पे क्लिक करें और यहाँ से हमारे पास ये थर्ड क्लास आ गई, ठीक है, जिसको आप ट्रेन करना चाहें अदर वॉइस देकर तो वो भी आप लोग ट्रेन करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इसे डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से डिलीट क्लास कर दें कि मैं इस क्लास को नहीं फॉर द टाइम बीइंग यूज करना चाहता, जस्ट मैं नॉइज और ये जो हम मैंने अपनी वॉइस दी है मैं इसमें डिस्क्रिमिनेशन करना चाहता हूँ, मैं ट्रेन मॉडल पे क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली हमारी नॉइज पर और जो मेरी वॉइस है उस पर अपना मॉडल ट्रेन करेगा और ट्रेन करने के बाद हमें एट द एंड ये शो करवा देगा कि किस तरह से ये वर्कआउट कर रहा है। ये हमारी ट्रेनिंग हो रही है मॉडल की, जो कि हमारी वॉइस के डेटा पर ट्रेन हो रहा है, जो हम लोगों ने यहाँ पर इमेजेस दी। अब ये चेक करें कि आपको यहाँ पर ये शो करवा रहे हैं कि बैकग्राउंड नॉइज कहाँ कहाँ पर आ रही है और जो क्लास 2 है जहाँ पर मैं बोल रहा था वो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, वो तमाम वॉइस को इकट्ठा करके उसके ऊपर मैप करवा के हमें ये शो करवा रहे हैं, ठीक है, कि नॉइज यहाँ पर नॉइज आ रही है, यहाँ पर जो है वो ह्यूमन जो है वो टॉक कर रहा है, बोल रहा है या कुछ भी स्पीक कर रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पर अगर मेरी क्लास 3 भी होती तो वो बताता कहाँ पर मेल की वॉइस आ रही है और कहां पर फीमेल की वॉइस आ रही है, उसे इजीली ये आइडेंटिफाई करके फर्दर जो है आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन इसके लिए भी यहां पर आप लोग एक्सपोर्ट मॉडल पे क्लिक करेंगे और मॉडल आप लोग इजीली इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑडियो को आइडेंटिफाई करना चाहें टीचेबल मशीन को यूज करके तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास है पोज की आइडेंटिफिकेशन की, अगर आप लोग लेट अस यू पोज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर पोज वाले सेक्शन में चले जाएंगे, जो कि हमारे पास थर्ड सेक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। अगेन इसके लिए भी आप लोग अपने डिफरेंट पोजेस जो हैं वो इसे पास कर रहे होंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट पोज यहाँ पर कोई भी पास कर देता हूं, अब चेक करें कि हमारा एक पोज ये है कि मैं स्ट्रेट सीधा बैठा हुआ हूं, ठीक है, वो हमारे उस पोज को वो कैप्चर कर रहा है। यहां से मैं होल्ड टू रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा और जितने इसने 18 पोज के सैंपल यहां से कलेक्ट कर लिए। इसी तरह से पोज 2 अगर आप लोग यहां पर मेंशन करना चाहें कि आप किस तरह से पोज जो है रखना चाहते हैं, लेट अस यू हम लोग इस तरह से डिफरेंट पोजेस जो हैं वो यहां से पास कर देते हैं, ठीक है। ये चेक करें कि हमारे इस पोज को इसने कैप्चर किए,
अगर मैं से थोड़ा सा अपने एल्बो को क्लियर शो करवाऊं यहां से, तो चेक करें हम यहां से होल्ड टू रिकॉर्ड पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा उसने दो पोजीज जो हैं यहां से उसने ऑटोमेटिकली गेट कर ली। अब फॉर एग्जांपल यहां से मैं ट्रेन मॉडल पर क्लिक करता हूं, ये हमारा मॉडल जो है टू डिफरेंट पोजेस के ऊपर अपने आप को ट्रेन कर रहा है, और एट द एंड जैसा मैं पोज यहाँ पे शो करवाऊंगा वो मुझे प्रेडिक्ट करके बता देगा कि ये पोज वन है या पोज टू है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इजीली ये पोज की आइडेंटिफिकेशन अगर करवाना चाहें, ठीक है, तो आप लोग टीचेबल मशीन को यूज करके ये वाला टास्क जो है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और एट द एंड अगर आप लोग उसके कोड को भी डाउनलोड करना चाहें कि किस बेस पर ये क्लासिफिकेशन हो रही है, तो वो भी आप लोग इजीली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप चेक करें कि ये फर्स्ट पोज को आइडेंटिफाई कर रहा है और क्लास वन मुझे 100% बता रहा है, और जैसे ही मैं अपनी एल्बो जो है वो अपर साइड पर मूव करता हूँ, तो चेक करें ये हमें क्लास टू की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, और जहां पर वो सेंटर में वैल्यूज बिलोंग कर रही है तो वो ओवरलैप कर रहा है क्लास वन और क्लास टू, वो बता रहा है कि दोनों वैल्यूज यहाँ पर समहाउ कुछ कुछ उनका इंटेंसिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इजीली टीचेबल मशीन को यूज करके ऑडियो को आइडेंटिफाई करना चाहें, वॉइस को आइडेंटिफाई करना चाहें, पोजिस को आइडेंटिफाई करना चाहें, डिफरेंट इमेजेस के दरमियान में डिस्क्रिमिनेशन करना चाहें, तो इजीली आप लोग कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोगों को किसी भी किस्म के कोड का पता होना जरूरी नहीं है। जस्ट आप लोगों ने अपने सैंपल्स देने हैं, टीचेबल मशीन में ऑलरेडी उन्होंने मॉडल बना हुआ है, जस्ट आपके सैंपल के ऊपर वो ट्रेन करके एट द एंड जो है आपको आउटपुट वो शो करवा देते हैं। ओके, तो कुछ नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी गूगल काम कर रहा है अभी, फॉर द टाइम बीइंग वो उन्होंने लॉन्च नहीं किए, लेकिन जैसे ही अगर उनका वो मॉडल जो है वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये बड़ा इजीली आप लोग जो है मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट भी कर सकते हैं, और डिफरेंट अदर पर्पजेज के लिए आप लोग इन्हें यूज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।